एक सर्वे से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और वो ये कि सोशल मीडिया पर मोदी का मैजिक नहीं बल्कि राहुल गांधी की आंधी चल रही है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 7 चरणों में से 1 चरण का मतदान बस बाकी रह गया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, इस बात का फैसला तो 4 जून को हो ही जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया से जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर तो लगता है कि सोशल मीडिया यूजर्स का मूड कुछ और ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सारी दुनिया के सामने आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि इस बार देश की जनता का क्या मूड है, देश की जनता ने किस पार्टी या चेहरे पर इस बार भरोसा जताया है। क्या इस बार फिर से मोदी मैजिक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, या फिर कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाला इंडिया गठबंधन बीजेपी का विजय रथ रोकने जा रहा है। खैर, हफ्ते भर में पूरी पिक्चर साफ हो ही जाएगी, लेकिन उससे पहले CSDS की एक सर्वे रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अब ये तो हम जानते ही हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया का ही बोलबाला है। आज की तारीख में सोशल मीडिया किसी को भी बना सकता है, किसी को भी बिगाड़ सकता है। उसी सोशल मीडिया का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर भारी पड़ रहे हैं। वही पीएम मोदी जिनके देश विदेश में लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, जिनकी एक झलक पाने को लोग बेताब रहते हैं, वही पीएम मोदी जिन्हें दुनिया विश्व गुरु कहकर बुलाती है। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, पीएम मोदी के चाहने वालों की भरमार ही आपको मिलेगी। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि राहुल गांधी पीएम मोदी पर भारी पड़ गए, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद दूसरे नंबर पर पीएम मोदी का ही नाम आता है। चारों प्लेटफॉर्म्स को अगर मिला दें तो मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 26 करोड़ से ज्यादा है और राहुल गांधी के फॉलोअर्स की गिनती करीब 4.7 करोड़। तो फिर कैसे राहुल मोदी से आगे निकल सकते हैं? इस बात का पता लगाने के लिए हमने दोनों बड़े नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले, जिनकी 50 दिन की सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर नजर बनाई और जानने की कोशिश की कि आखिर सोशल मीडिया का बादशाह कौन है। फैक्ट्स चेक करने के लिए हमने 1 अप्रैल से 20 मई यानी पूरे 50 दिन के दोनों के एक्स प्रोफाइल्स की सभी पोस्ट्स को ध्यान से स्टडी किया और ये जानने की कोशिश की कि मौजूदा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं और ये समझाते हैं। तो किसकी पोस्ट पर मिले ज्यादा लाइक्स सोशल मीडिया एक्स पर? तो मोदी और राहुल में अगर हम तुलना करें तो मोदी जी की कुल पोस्ट हुई है उनके प्लेटफॉर्म से 1,159, राहुल की 120। टोटल लाइक्स मोदी को मिले हैं 1.9, राहुल को मिले हैं 40 लाख। एवरेज लाइक्स पर पोस्ट 17,000 है मोदी के एवरेज और 38,000 है राहुल गांधी का एवरेज। इसका मतलब टोटल पोस्ट का अगर एवरेज यानी उनके एवरेज लाइक्स अगर निकाले जाएं तो राहुल पीएम मोदी से आगे निकल जाते हैं। किसकी पोस्ट को ज्यादा किया गया रीपोस्ट? यहां पर भी 2 टैलीज थी, एक नरेंद्र मोदी की, दूसरी राहुल गांधी की। तो मोदी के अकाउंट से पोस्ट हुए हैं 1,159, राहुल के 120। टोटल पोस्ट मोदी के अकाउंट से हुए हैं 48.8 लाख, तो राहुल के अकाउंट से हुए हैं 15 लाख। अगर एवरेज लाइक निकाल लेते हैं इसमें तो 4,000 मोदी का आंकड़ा आता है तो 12,000 राहुल गांधी का आंकड़ा आता है। मतलब टोटल रिपोस्ट के मामले में भी राहुल पीएम मोदी से आगे हैं। अब इसका टोटल कैलकुलेशन देखा जाए तो यह पता चलता है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से करीब 10 गुना ज्यादा पोस्ट की है, लेकिन उनकी पोस्ट से ज्यादा वैल्यू राहुल की पोस्ट को मिल रही है, भले ही वो पीएम से काफी कम पोस्ट कर रहे हैं। राहुल की पोस्ट पर व्यूज भी हैं और लाइक्स भी हैं। इसके अलावा उनकी पोस्ट को रीपोस्ट करने वालों की गिनती भी पीएम से करीब 3 गुना ज्यादा है। आइए अब बात करते हैं मुद्दों की। तो सोशल मीडिया पर किसने जनहित से जुड़े मुद्दे सबसे ज्यादा बार उठाए? यहां पर भी 2 टैली है, पीएम मोदी की और राहुल गांधी की। तो राम मंदिर 11 बार उठाया नरेंद्र मोदी ने के हैंडल से उठाया गया और राहुल के हैंडल से 0 बार, यानी 1 बार भी नहीं। रिजर्वेशन के मुद्दे पर 12 बार बात की है नरेंद्र मोदी ने तो 7 बार बात की है राहुल गांधी ने। इन्फ्लेशन पर 1 बार भी जिक्र नहीं किया है नरेंद्र मोदी की पोस्ट में, पीएम मोदी की पोस्ट में, जबकि राहुल की पोस्ट में 6 बार इन्फ्लेशन का जिक्र किया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट 0, यानी 1 बार भी पीएम मोदी के हैंडल से इसमें बात नहीं की गई है। 8 बार राहुल गांधी के हैंडल से इस पर बात की गई है। किसानों की बात करें, फार्मर्स की, तो 15 बार पीएम मोदी के हैंडल से, तो 4 बार राहुल गांधी के हैंडल से।
तो इन आंकड़ों का मतलब साफ है कि विपक्ष के आरोप सच हैं। पीएम मोदी महंगाई और बेरोजगारी पर वाकई कोई बात ही नहीं करते, तो वहीं कांग्रेस वाले राम मंदिर से खुद को दूर रखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, किसानों के मुद्दे पर तो हर किसी को राजनीति करनी है। अब इसके लिए चाहे एक दूसरे को कितना ही नीचा क्यों ना दिखाना पड़े, इन 50 दिनों के आंकड़े ये भी बताते हैं कि पीएम मोदी की 1159 पोस्ट में 200 बार कांग्रेस का जिक्र किया गया है, लेकिन उन्होंने किसी भी पोस्ट में राहुल का नाम नहीं लिया, क्योंकि आजकल वो राहुल को शहजादा कहकर बुलाते हैं। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से की गई 120 पोस्ट में 45 बार पीएम मोदी का नाम लेकर उन पर हमले किए गए हैं। वहीं कुछ दिलचस्प आंकड़े ये भी हैं कि पिछले 50 दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के फॉलोअर्स राहुल गांधी से 3 गुना तेजी से बढ़े, जबकि इंस्टाग्राम पर राहुल के फॉलोअर्स मोदी से 2 गुनी तेजी के साथ बढ़े। वहीं यूट्यूब पर भी राहुल के सब्सक्राइबर्स मोदी से 2 गुनी तेजी के साथ बढ़े। बात करें व्यूज की तो पिछले 30 दिनों में राहुल को मोदी से 21 करोड़ ज्यादा व्यूज मिले। लेकिन फेसबुक पर फिर पीएम ने बाजी मारी और राहुल से 2 गुनी तेजी से बढ़े उनके लाइक्स। तो दोस्तों, सोशल मीडिया के आंकड़े जानने के बाद अब बात करते हैं जमीनी सच्चाई की। तो चुनाव पर करीब से नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बीजेपी तो साल 2014 से ही सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन राहुल गांधी 2019 आने तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हुए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो चुकी थी। इसके बाद बीजेपी ने फिर अपना गेम बदला और सोशल मीडिया साइट्स के अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक को भी अपना हथियार बनाया। इस वजह से ज्यादातर नैरेटिव्स की लड़ाई बीजेपी अपने पक्ष में कर लेती है और कांग्रेस हाथ मलती रह जाती है। एक्सपर्ट्स की माने तो पिछले साल हुए 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी ने जमीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक फुल एक्टिव मोड में ये दिखे थे। डेटा के मुताबिक राहुल उस वक्त प्रचार के लिए मोदी से कहीं आगे थे, लेकिन फिर भी चुनावी नतीजों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। वहीं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने में एक्सपर्ट प्रशांत किशोर का कहना है कि लोगों को लगता है कि पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर फुल कंट्रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी की जगह लोग राहुल की पोस्ट पर ज्यादा एंगेज नजर आते हैं। राहुल की पोस्ट पर लाइक्स और कॉमेंट्स भी मोदी से ज्यादा होते हैं। ये अलग बात है कि चुनाव में उन्हें इसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो प्रशांत के मुताबिक कांग्रेस वाले सही मुद्दों को नहीं उठाते, जिस वजह से उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार का मानना है कि सत्ता पक्ष में पीएम मोदी तो विपक्ष में राहुल ही सबसे बड़े नेता हैं, यार कोई जानता है। राहुल गांधी युवा चेहरा है, काफी समय से अपनी यात्राओं के जरिए लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हार के बाद भी वो मजबूती से खड़े हुए और अकेले ही सत्ता पक्ष को घेरते नजर आए, क्योंकि राहुल की अपनी एक आइडेंटिटी है और लोग उनके साथ एक जुड़ाव सा महसूस कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कोई भी नेता सोशल मीडिया पर पॉपुलर होता है तो उसका चुनाव में फायदा मिलता ही मिलता है। अब सोशल मीडिया पर राहुल की पॉपुलैरिटी के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन उन्हें इस पॉपुलैरिटी से फायदा होता है या नुकसान, उसके लिए आपको अब ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। अब चाहे राहुल गांधी सोशल मीडिया के किंग बनते जा रहे हो, लेकिन देश का किंग बनाने के लिए उन्हें इस बार जनता कितने नंबर देती है ये भी 4 जून को पता चल ही जाएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।